उसका सराफ था निजामुद्दीन औलिया का, या तो रहे गुजर या वसे गुजर। अभी हम दिल्ली के तुगलकाबाद फोर्ट पर हैं। जीना कहा गया, ये जीना आप देख सकते हैं जो अंदर बिल्कुल गुफा में जाता है, और ये गुफा सीधा आपको एक और ऑब्जर्वेशन है जी जी। बाकी किलों की तरह इस किले को भी जो है कपल्स ने ओवरटेक कर लिया। पुराना किला के बाद इसी का नंबर है। जगह जगह जो है जोड़े बने बैठे हैं, और ये अच्छी बात है। आज फिर हम इंतजाम के साथ आए हैं, तुगलकाबाद फोर्ट जा रहे हैं, और फिर हम लोग रास्ता भूल चुके हैं। मतलब मैप ने फिर से हम लोगों को धोखा दे दिया है। तो अभी हम लोग ऑटो पे हैं, साथ में हम टेक्निकल ग्लिच है। जब हम कोई नई जगह जाते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम गूगल मैप का सहारा लें ताकि हम अपने मंजिल तक सही तरह से पहुंच सकें, पर यहाँ पर हमें गूगल मैप ने ही धोखा दे दिया। ऑटो वाले एक जगह जाके रुकते हैं और उन्होंने कहा कि हम मंजिल पे पहुंच गए, जबकि मंजिल बहुत दूर थी। और साथ में हमारे एजाज भाई हैं। एजाज भाई, कैसा तजुर्बा है आपका रास्ता भूलने का? आपके साथ तो पुराना तजुर्बा है ये मेरा, अक्सर हम लोग रास्ता भूल जाते हैं, तो इट्स नथिंग न्यू टू अस। तो चलिए हम लोग अब कोशिश करते हैं वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचने की, कैसे पहुँचते हैं देखते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद हमें एक दूर ऊंची इमारत दिखी, जिससे एहसास हो गया कि हम अपनी मंजिल के करीब हैं। हम किले के जानिब से गुजरने वाले सड़क के दूसरी जानिब उतरे, और सड़क पार करने में हमारे हालत ख़राब हो गए। और जब हम टिकट काउंटर पर पहुंचे तो हमें पता चला टिकट यहां पर नहीं मिलता है। क्या हो गया टिकट का? टिकट लिए बगैर ही हम ऊपर की जानिब चल दिए। ऊपर चलने से पहले हमने पानी का 2-3 बोतल ख़रीद कर रख लिया, क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि ऊपर खाने पीने का कोई भी सामान नहीं मिलेगा। और चूंकि हम एक ऐसी इमारत में जा रहे हैं जो काफ़ी वसी और बड़ी है, तो वहाँ पे इंसान थक सकता है, तो इसलिए पानी नहायत ही ज़रूरी था। तो हमने कुछ बोतल पानी ले लिया। हम अभी दिल्ली के मशहूर तुगलकाबाद रास्ता भूलने के बाद, ट्रैफिक से स्ट्रगल करने के बाद फाइनली 88 से 138 रुपये। और ये पीछे पीछे दिखा देंगे, बंदरों से बचते हुए फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये मशहूर तुगलकाबाद का किला, मास्क लगा कर रखिएगा। तुगलकाबाद किले के बाहर कुछ मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वो इंसान नहीं थे, वो जानवर थे, और वो जानवर भी वो जिसे कभी कभी इंसानों से साइंस की किताब में जोड़ दिया जाता है, यानी बंदर। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बंदर मौजूद हैं। कोविड का दौर चल रहा है, इस वजह से हाथ सैनिटाइज कर हम लोग अंदर चले। सेवा करिएगा आप लोग हमारे। आपकी क्या नाम? तो इस पे क्या पता चल रहा है जैसा? आगे की बात तो बाद में, लेकिन खूबसूरत जगह है। अच्छा, काफी जायंट स्ट्रक्चर है और खूबसूरत जगह है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 के दरमियान इसे बनवाया है। ये किला एक वर्ल्ड सिटी के मानिंद है। चारों तरफ से ऊंची-ऊंची दीवारें, जिसके अंदर शहर बसा था। काफी कुछ इसके अंदर था जिसे देखने के लिए हम आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन जरूरत हमें एक गाइड की थी। लेकिन यहां पर गाइड तो दूर, एक नेम प्लेट तक भी नहीं था कि कौन चीज किस जगह है।
तो काफ़ी दुश्वारी आई, लेकिन आगे हमें एक साहब मिले जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। ये एंट्रेंस है, इसके अंदर शहर है। वो क्या बनाएगा? वो तो हाल फिलहाल में कुछ बनाया गया है, रेसिडेंशियल है, ऑफिशियल कुछ रहने के लिए। नहीं तो पहले इसमें पानी रहता था। चलिए हम जिस वक्त किले के अंदर दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त मौसम ठंड का था, यानी उस वक्त हमें ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे हम लोगों ने किले के अंदर कदम रखा और आगे बढ़े तो हमें मौसम की तपिश एहसास दिलाने लगी कि अब हमें अपना जैकेट उतार देना चाहिए, क्योंकि अंदर में काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा था। आपको ना अंदर में ऐसी ऐसी चीज़ें चीज़े। ये है कोई नहर, उस तरफ वो शहर, ये वो लोकल लोग, गांव का लोग। पुअर पीपल, हंग्री पीपल, हंग्री पीपल। बट वाई आई एम फीलिंग दैट वहाँ पे राजा महाराजा लोग रहते थे। वो आपको ऊपर में मिलेगा, ये ये काफ़ी भव्य और आलीशान किला था। बाहर से इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, लेकिन असली भव्यता इसकी अंदर जाने के बाद दिखी। और इसी किले से हमें दूर इस किले को बनाने वाले गयासुद्दीन तुगलक की कब्र भी दिखी। फिर हम आगे बढ़े तो आगे भी हमें एक मज़ार मिला, जिसके बारे में हमें लोगों ने बताया कि आसपास की जो गुजर आबादी है वो इनके में बहुत आस्था रखती है। तो हमें खुद भी नहीं पता था कि कौन है क्या है। तो बहरहाल हम फिर चले आगे। तो इसमें एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि किला बंदी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, दूर एक डेढ़ किलोमीटर दूर भी दिख रहा है। अभी स्टैंडर्ड है ये, आइए थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं, आराम से आइए। यहाँ पे गड्ढे नहीं लगाए, जरूर आते हैं क्योंकि गोबर का। ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ये वही सेम स्ट्रक्चर है जो हमने वहाँ देखा था जी। आप ऊपर से वो वाला हिस्सा दिखाइए, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा में आपको थोड़ा सा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। वो कमरे बनाए गए थे आम दिनों में रहने के लिए। ये बीच में क्या नाम है, ये किला आपको ऐसे मोड़ जा रही है, ये ना ऐसे ये लिखा हुआ है ऑक्टागन शेप में। तो अष्टकोणीय। तो कैसा लग रहा है एजाज सर, जरा बताइए। एक तो काफ़ी रिच हिस्ट्री है हमारी, इसको देख के समझ में आता है जी। दूसरा काफ़ी तकलीफ होती है जब इस हालत में, स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो अफसोस हो रहा है। ये पार्ट तो अभी हमने थोड़ा सा पार्ट देखा, वो तो थोड़ा बहुत बचा के रखा है उसको लोगों ने। ये आप यहाँ दिखाएंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर तो ख़त्म हो चुका है और न जाने कितना। वो आप उस कॉर्नर तक देखें, वहाँ तक होगा ये पार्ट मेरे ख्याल से। ये स्मोक की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है। ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, इसको कोई भी मेंटेनेंस नहीं की गई है। जगह जगह हमने देखे हैं कि झाड़ियाँ काट के रखी गई हैं, उसको लोग आग लगा देते हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
एक चीज ये नहीं समझ में आता, एएसआई करता है कि वो इस तरह के मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट के नाम पे क्या किया जा रहा है वो तो समझ में नहीं आ रहा है। ये भी मुझे लगता है ये कमरे ही होंगे, कमरे बनाए गए थे रेस्ट करने के लिए। और इसमें ना हम जब आए थे तो उसमें वॉशरूम का भी स्ट्रक्चर दिखाया गया था हमको। तो उस जमाने में जो रहायशी इलाका होता था उसका क्या सिस्टम था वो अब हम इस खंडहर को, इस इमारत को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। वो एक जो वो क्या हुआ इलाका वहाँ हम गए क्या? हाँ वहीं से आ रहे हैं ना। हाँ नहीं नहीं हम लोग तो यहाँ से आए हैं, वहाँ नहीं है ना वो? क्या नहीं वहाँ नहीं है, तो जरा हम पहले ऊपर चल के आते हैं। जो अभी हम स्टंट करने जा रहे हैं वो एक्सपर्ट की निगरानी में किया जा रहा है और बेहद खतरनाक, बेहद खतरनाक हो सकता है। इसको बिल्कुल रिपीट ना करें, बिल्कुल, बिल्कुल। घर पे, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में बिल्कुल रिपीट ना करें, छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जी बहुत टफ है, आइए हमारे साथ आइए। अब हम एंटर करने जा रहे हैं इस 700 साल पुरानी गुफा में, खुफिया गुफा। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। कभी भी जब हमला होता था पहले तो राजा को या फिर बड़े ऑफिसर्स जो थे तो उनको कहाँ छुपाया जाता था वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और अपार्ट फ्रॉम बकचोदी यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी लोग छुपे, ये जब ऊपर से हिरोशिमा नागासाकी हुआ था तो इधर ही लोग आकर के छुपे थे। ये सारे कमरे हैं, ये बेसिकली रूम है, देखिए ये प्रॉपर रूम है आराम से। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो किला बंदी हुई है अंडरग्राउंड है तो मतलब इसका मकसद क्या है, लेकिन ये तो कमरा है, मतलब ये कमरा है, ये 10x8 10x12 ऐसा कमरा है, ऐसा कमरा है यहाँ पर। मतलब या तो मेहमानों के लिए हो सकता है या प्रॉपर सेना के। मेरे हिसाब से मुझे जो समझ में आ रहा है ये फौज की छावनी। ये चीज देखिए, ये जो दो रखे गए हैं इसमें पहले दरवाजे भी जरूर रहे होंगे ताकि बंद किया जा सके, ये खूंटी लग माइट भी ये हो सकता है कि प्रिजनर्स के लिए हो, प्रिजनर्स के लिए भी हो सकता है ऐसा कुछ। ये यही मैं बात करता कि यहाँ पे कोई बोर्ड होना चाहिए एएसआई का। हाँ लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये प्रिजनर्स के लिए भी एक कैदखाना हो सकता है, लेकिन मॉन्यूमेंट में कहीं आपको कोई भी बड़ा बोर्ड नहीं दिखेगा जो डिफाइन करता है पर्टिकुलर चीज किस चीज के लिए। एग्जैक्टली अब ये जैसे अच्छा ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा उधर टूटा हुआ है फिर वो ये जो बीच में गैप है ना ये पूरा एक जैसा नहीं, बीच में सीढ़ी है, बीच में जहाँ खुला हुआ ना वो सीढ़ियों का लिए है ऊपर जाने के लिए। तो ये पूरा एरिया में सीढ़ी नहीं है वहीं पे है। ये आप समझ सकते हैं 700 साल पुराना जो आर्किटेक्चर है क्या टेक्निक इस्तेमाल की गई होगी। फ्लोर मिट्टी का है इसका। हाँ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही है। ये भाई छावनी जैसा भी लग रहा है, स्ट्रेच है बिल्कुल जैसे। हाँ ये थोड़ी रोशनी है यहाँ पे, हम प्रोबेबली बैठते हैं अभी भी है। हाँ ये अभी भी बैठा है, नशे वशे का अड्डा हो चुका है। ये कमरा नुमा है और ये सीढ़ी है, इसी वजह कर इसके ऊपर कभी मेरे हिसाब से गुंबद रहा होगा क्योंकि कुछ ऐसा शेप उस साइड से दीवार में दिख रहा है। वो ऊपर जा करके देखने को पता चलेगा। अच्छा मुझे ये भी है कि हो सकता है यहाँ कुछ जानवर वगैरह भी आके अभी रहते हैं। हाँ बदबू आ रही है। जो सीढ़ी का ये है
हाइट काफी ऊंचा है। तो इस पर अभी जो हम लोग ये स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया कम से वो बनाया भी गया है। वैसे भी पहले के लोग जो लंबे चौड़े होते थे तो उनका उनके हिसाब से। और एक थीम होता है, थीम से मुराद ये है कि हर इलाके के लोग अपना उनका एक आर्किटेक्चर होता है। मुगलों ने दूसरा बनाया, तुगलक ने दूसरा बनाया, खिलजीज ने दूसरा बनाया, उससे पहले जो तोमर डायनेस्टी थी उनका आर्किटेक्चर अलग दिखेगा। तो वह इलाके पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि लंबे लोग होते होंगे या नाटे लोग होते होंगे। बेसिकली ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि उनके यहाँ क्या ट्रेंड था उस दौर में। तो अब तक जो हम समझ पाए हैं उससे यही लग रहा है कि जहाँ से अभी हम आ रहे हैं वो कैद खाना ही रहा होगा। क्या डेंजरस प्लेस? वेरी डेंजरस प्लेस। ओके ओ ये बेसिकली एक नहर होगा। ओ इधर ये नहर होगा और यहाँ जो सिपाही होंगे जो 5 किलो होंगे। हमको ऊंचाई से डर लगता है। वो सब अपनी जगह, जिस शख्स ने इस इलाके की बुनियाद डाली थी उनकी कब्र आप सामने देख सकते हैं, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। और इसी में कहा जाता है इसमें एक खिलजी कमांडर जिसका नाम था जफर खान, जो अनडिफिटेड था, जो कभी जंग नहीं हारा, जिसने मंगोलों को कई महाज पे हराया, आखिर में वो गाजी होते हुए फिर शहीद हुए जंग में, उन्हें भी यहीं दफन किया गया। और अभी अभी मैं और इंजमाम मजाक भी कर रहे थे कि इस जगह की हालत को देखते हैं कि शायद ये इस जगह से दूर इसलिए रखा गया है ताकि मकबरा सेफ रहे, साफ सुथरा रहे। क्या मुराद है इससे आपका? मतलब जिस जैसे ही जगह की हालत हो गई है यहाँ से ज़्यादा सेफ वो जगह हो गई है। मतलब ये आप लव बर्ड से शिकायत कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ लव बर्ड नहीं, ऐसा ही रखावट जो इसका देख रेख है। कितना ग्रैंड ये मॉन्यूमेंट है, आप वहाँ कैमरा उधर से पैन कीजिए, आप देख सकते हैं उधर से। मॉन्यूमेंट तो वाकई बहुत शानदार है। हिंदुस्तान में टूरिस्ट जो आते हैं ख़ास के जो दिल्ली, तो वो इस तरह की मॉन्यूमेंट को देख के तो काफ़ी खुश हो जाए, लेकिन यही है कि रख रखाव इसका बहुत अच्छे से नहीं है। तो मैं चाहूँगा एजाज साहब आप इधर आ जाएं या वापस। एजाज भाई उधर मत जाइए, अरे मत जाइए, पचकर्रा उड़ जाएगा। तो बॉयज ये ट्राई ना करें आप लोग, ये काफी डेंजरस हो सकता है। वेरी डेंजरस। यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा कोई रेलिंग जैसी लगानी चाहिए। हाँ, रेलिंग। लोग सेफ रहें। तो ये आप दीवार जो किलाबंदी हुई है, तो इस किलाबंदी में आप दीवार की चौड़ाई देख सकते हैं, तकरीबन नहीं भी तो 5 फीट से ज्यादा है। 5 फीट नहीं है, ये 8 फीट है। अच्छा 8 फीट है। हाँ इस जानी से अगर देखेंगे तो ये 8 फीट से भी ज्यादा है, 10 फीट भी हो सकता है। तो सामने दूर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा देखा जा सकता है जिन्होंने इस जगह की बुनियाद डाली। अभी हम दिल्ली के तुगलकाबाद फोर्ट पर हैं। ये फोर्ट काफ़ी ऊंचाई पर है, कहा जाता है ये अरावली हिल्स के एक हिस्से पर बनाया गया है। तो काफ़ी ऊंचाई पे अभी हम खड़े हैं। और ये जो किला है, इस किले के बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली में कई शहर हैं जिसमें आखिरी शहर जो है वो शाहजहानाबाद है, और जो पहला शहर है वो है लाल कोट। लाल कोट तोमर्स ने बनाया था। दूसरा जो शहर है वो है सीरी फोर्ट, जिसे खिलजियों ने बनाया है। उनके बाद खिलजी के बाद तुगलक आए, तो तुगलक ने इस शहर को बसाया है, और जिसे आज की डेट में हम तुगलकाबाद के नाम से, तुगलकाबाद फोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये फोर्ट 1321 से 1324 के दरमियान बना है, जब गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ हुकूमत की। गयासुद्दीन तुगलक असल में खिलजी डायनेस्टी के ग़ुलाम थे, जो इनिशियल सोर्स हमें मिलता है उसमें। और वो एक बार अपने बादशाह यानी अपने मालिक के साथ एक बार इसी इलाके में कहीं पर घूम रहे थे, और उन्होंने उनसे कहा था कि उन्हें इस इलाके में एक किला बनाना चाहिए। तब खिलजीज ने, जो उनके मास्टर थे, उन्होंने उन्हें कहा कि जब तुम कभी बादशाह बनना तो तुम बना लेना, मजाक में कहा था। और लेकिन ऊपर वाले को शायद ये मंजूर था, और खिलजी को हटा के गयासुद्दीन तुगलक बादशाह बने। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक से पहले कहलाते थे गाजी मलिक गाजी,
और जब उन्होंने दिल्ली के थ्रोन पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने अपना जो लकब लिया वो गयासुद्दीन तुगलक था, और उन्होंने तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद डाली और उन्होंने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया। 4 साल के अंदर उन्होंने ये पूरा जो खत्ता आप देख रहे हैं हमारे पीछे और इस जानब पूरा है वहाँ पर उन्होंने एक नई दिल्ली बसाई और इस इलाके का नाम तुगलकाबाद रखा गया। उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया था कि दिल्ली में जितने भी मजदूर हैं वो इस इलाके में आके काम करें, और इसी में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो दिल्ली हनूज दिल्ली दूरस्त जो एक बहुत मशहूर है, आमतौर पर जो दिल्ली आते हैं वो इस फ्रेस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, वो एक तरह से एक बददुआ थी तुगलक को, मतलब गयासुद्दीन तुगलक को, तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। वो तमाम कुआं आज भी यहाँ पे मौजूद है जिस कुआं को लेकर एक तरह तरह की स्टोरीज़ हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक को लेकर। और इसी के ठीक पीछे आदिलाबाद का किला है। कुछ हिस्टोरियन उसे कहते हैं कि उसे गयासुद्दीन तुगलक नहीं बनाया, कुछ का ये कहना है कि उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। तो एग्जैक्टली मुझे ख़ुद भी नहीं पता है क्या है, लेकिन ये जो खत्ता आज हम यहाँ पर आएँ तो ये काफ़ी अच्छे हाल में भी है और काफ़ी बुरे हाल में भी है। अच्छे हाल से मुराद ये है कि ये पिछले 800 साल से अबंडंड है, 800 साल नहीं 700 साल से अबंडंड है, यहाँ पे कोई आबादी रह नहीं रही है, तो उसमें ये स्ट्रक्चर बचा रहना एक बड़ी बात है। और जो ख़राब हालत ये है कि आज की डेट में ASI भारत सरकार के अंडर में है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं घूमते हैं तो, लेकिन बहुत बुरे हाल में है, और ख़ास के जिस जगह हम भी खड़े हैं तो आमतौर पर हमें यहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए था। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि ये एक 800 साल पुरानी इमारत है तो इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और ये 800 साल में कमज़ोर हो गई है तो हम इस पर चढ़ रहे हैं तो हमें भी नुकसान हो सकता है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसे मेंटेन करें, इसे बचाएं, इसे संवारें, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में टूरिस्ट हमारे मुल्क में हमारे शहर में आए। जिस तरह से हम यूरोप और दूसरे दूसरे मुल्क जाते हैं घूमने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ दिल्ली में इतनी बड़ी इमारत है, तो ज़रूरत है कि इसे प्रिजर्व करें, इसे बचाएं। और ठीक जहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो दाएँ हाथ की जानिब इस किला को बनाने वाले गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है वहाँ पर। जिस ज़माने में खिलजी यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ट्रेजडी से गुजर रहा था। हिंदुस्तान नहीं, पूरा सेंट्रल एशिया, एशिया और यूरोप से लेकर अफ्रीका का एक खत्ता। मामला ये था कि सेंट्रल एशिया के एक कोने से मंगोल निकले थे, मंगोलिया का इलाका है, वहाँ से निकल के उन्होंने पूरे एशिया को रौंद डाला था, और यही वो दौर था जब बगदाद में जो मुसलमानों का खलीफा था वो तक मारा गया, मंगोलों ने मिस्र तक पे हमला कर रखा था, तो उसी दौर में उन्होंने दिल्ली पे भी हमला किया, लेकिन हिंदुस्तान की किस्मत में जीत थी। यहाँ पे एक बादशाह हुकूमत कर रहा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उसने कई महाज पे मंगोलों को हराया। फिर जब खिलजीज ख़त्म हो गए तो जब तुगलक ने यह किला बनाना शुरू किया तो इसकी जो आर्किटेक्चर है इस जहन में रख के बनाया गया कि हमें मंगोलों से अपने इस किले को बचाना है। तो आज ये गयासुद्दीन तुगलक जिस जगह आराम फरमा रहे हैं, यहाँ पे दफन है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा खिलजी कमांडर आराम कर रहा है, उसका नाम है ज़फ़र ख़ान। ज़फ़र ख़ान आज तक किसी भी महाज पे हारा नहीं है, उसने मंगोलों को बुरी तरह से कई मैदान जंग में शिकस्त दी है, और एक जंग में वो शहीद हो गया, तो आज वो उसी जगह में दफन है जहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक दफन है। तो बेसिक ये जो इलाका है, इस खत्ते की हिस्ट्री हिंदुस्तान की उस अजीम हिस्ट्री से जुड़ी हुई है जब हिंदुस्तान ने मंगोलों को बुरी तरह से हराया। जब सारी दुनिया मंगोलों से हार गई तब हिंदुस्तान को यह शर्फ हासिल हुआ कि उसने मंगोलों को एक नहीं बल्कि कई जंग में हराया। तो गयासुद्दीन तुगलक थे ना, इनका ये पहले राजा नहीं हुआ करते थे, पहले सूबेदार हुआ करते थे, जो खुसरो खा थे ना, खुसरो खा के पहले पास ही सूबेदार हुआ करते थे, और इनका नाम पहले हुआ करता था गाजी मलिक, और पहले गाजी मलिक के नाम से जाने जाते थे ये, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके गयासुद्दीन तुगलक रखा, और उसके बाद इन्होंने अपनी तुगलक वंश की स्थापना करवाई, जो कि करवाई 1321 ईस्वी में इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना करवाई, और 1324 ईस्वी में इनकी हत्या हो गई, और फिर 1325 ईस्वी से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कारोबार संभाला और दिल्ली के सुल्तान बने। इधर हम इस किले की हिस्ट्री मोबाइल के ज़रिए जानने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच हमें एक गाइड मिले, जो गाइड से पहले एक गार्ड हैं जिनका काम इस इलाके की देखरेख का है। उन्होंने हमें इस इलाके की एक बेसिक हिस्ट्री बताई जो बहुत हद तक सही भी थी और बहुत हद तक जो हम लोग सुनी सुनाई बात सुनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो उनके बेटे हैं, उन्होंने अपना जो है खुद का किला बनवाया, आदिलाबाद किला जो सामने बना हुआ है, ऐसे हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का बनवाया हुआ किला, वो सामने आदिलाबाद का होता है ना, आदिलाबाद का मोहम्मद बिन तुगलक का बनवाया हुआ है।
बाकी ये जितने भी इधर बने हुए हैं ना, यहाँ 36 गांव हुआ करते थे, ये पूरे 7-8 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ तक यहाँ बता सकते हो, ये यहाँ से आपका वो दिख रहा है सामने, वो जो स्कूल दिख रहा है जामिया अंदर जो दिख रहा है, ये यहाँ से लेके उधर वहाँ तक फैला हुआ है, और ये इधर से लेके ये इधर तक फैला हुआ है आगे तक, ये वहाँ तक कोने तक दिख रहा है वो पल्ले वाला, बीच में तो गांव है, एक गांव के बाद जो हुआ है सामने किला वहाँ तक फैला हुआ है ये। और ये बीच में क्या, ये रेड बिल्डिंग क्या ये है? बीच में क्या हुआ ना, इसको निजामुद्दीन औलिया जो थे उस टाइम के सूफी संत हुआ करते थे, तो निजामुद्दीन औलिया ने इनको शराब दिया कि ये हो जाएगा उजर और यहाँ बसेंगे गुजर, उनका शराब था निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने शराब इसलिए दिया था क्योंकि जो अगर सीपी में अगर सिंह की बावड़ी है, अगर सिंह की बावड़ी की खुदाई हो रही थी, तो जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे इन्होंने क्या करती है, पहले सेना इसकी बड़ी इज्जत करते थे, वो सूफी संत हुआ करते थे, उनकी बड़ी सेना इज्जत करती थी, गयासुद्दीन जो तुगलक थे उनकी सेना थी, बड़ी इज्जत करते थे, इसलिए उनके पास जाते थे, उनके पास जाके फिर अपना काम करते थे, जैसे कि कुएं की खुदाई करवाते थे, सारे सेना मिल के दिन में यहाँ काम करते थे, रात को वहाँ, लेकिन चार सेना यहाँ पे सोते हुए पकड़े गए। अच्छा। तो उनको पूछा गया भाई तुम दिन में क्यों सो रहे हो, तो बोला जी हम रात को वहाँ खुदाई करते हैं, ऐसी ऐसी बात है, तो इसीलिए उन्होंने गाँव बंद करवा दिया कि वहाँ हमारी सेना कोई नहीं जाए खुदाई करवाने के लिए, मिट्टी का तेल दिया करते थे जिसे दिए के लिए रोशनी के लिए जलाने के लिए, तो वो भी उन्होंने बंद करवा दिया कि वो भी नहीं देंगे, तो इसी खुन्नस में जो निजामुद्दीन औलिया है उन्होंने शराब दिया कि जिसको तो बनवाने में लगा हुआ है, या तो वो रहे उजर या बसे वहाँ गुजर, उनका शराब था, या तो रहे उजर या बसे गुजर, तो ये जो उजर हो गया, पीछे तुगलकाबाद गाँव देख रहे हैं पूरा, तुगलकाबाद गाँव में 90% जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे जाट गुजर इस टाइप के लोग रहते हैं। अच्छा। एक हमारे साइड में अभी पीर बाबा भी हैं, जाट गुजर जो है उनकी होली दिवाली में बहुत पूजा करते हैं, गुड़ वगैरह चढ़ाते हैं, तो मान्यता है उनकी। अच्छा, ये जो बीच में साइड में जो बना हुआ ना, जो गोल गोल बने हुए उसके नीचे पेड़ के पास जो है, जो गोल बना रखे सारे वॉच टावर है। अच्छा, मतलब कि सिक्योरिटी जो होते थे, सोल्जर्स होते थे उनके जवान, ये भी जहां खड़े वॉच टावर ही है, ये वॉच टावर नहीं है, ये विजय मंडल है, ये राजा का एक टाइप से स्टेज है। अच्छा, यहाँ पे खड़ा हो गया वो, मतलब कि अपना कोई सूचना देना हो या कोई बात बोलना हो तो यहाँ से खड़ा हो, ये सेंटर में है ना, ये सेंटर में, तो यहाँ से कुछ बोले तो सारे जो है उनके सेना है जो प्रजा है सुन सके, और इसलिए सारे वॉच टावर बना रखे हैं ना, गोल है ये, गोल है ये, गोल टावर हो गया, ये जो बीच में जंगल वाला इलाका वो गांव हुआ करता था, जंगल वाला इलाका है ना वो गांव नहीं हुआ करता था, वो बीच में जो बना हुआ ना वो राजा का महल है। अच्छा, वो किंग प्लेस है। अच्छा, वो किंग प्लेस है, उसके आगे जाओ दिल्ली गेट है और एक बावड़ी है वाटर टैंक टाइप से, ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ की बहुत बड़ी कहानी है उसके बाद। अच्छा, ये जो बीच का एरिया बताना, ये जो बीच का एरिया आपको खाली दिख रहा है, यहाँ क्या था, ये जो ग्राउंड जैसा है बिल्कुल, नहीं नहीं, ये जो बीच का एरिया जो ग्राउंड दिख रहा है आदिलाबाद फोर्ट है, और ये है ना, इसके बीच का जो एरिया वो क्या था, बीच का एरिया भाई साहब पूरा जंगल फैला हुआ था यहाँ। अच्छा, ठीक है, और ये बीच, ये पूरे जंगलों के बीच में बनाया गया है किला, जिस पटरी पे चढ़ के आया हो ना, वो पटरी भी पहले नहीं थी, पहले जो रोड है ना बदरपुर वाड़ा, ये वाला रोड भी नहीं था, पहले ऐसे ज्वाइंट था, पहले पुल था, ये नीचे से हाथी घोड़े भी निकल जाते थे यहाँ से। अच्छा, पहले पुल था और यहाँ से हाथी घोड़े भी निकल जाते थे, बल्कि ऐसा था इस टाइप का था ये जो जो उनके जो बेटे के जो उनके बेटे थे जो उन्होंने अपने पिता की हत्या करवा दी 1324 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में उनकी स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में एक ऐसा शासक था जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी, मतलब माइंड उसके पास बहुत ज़्यादा था, पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जो कोई योजना होती है ना, जैसे योजना उसकी ऑटोमेटिक गलत हो जाती थी, वो जो करता था सब गलत हो जाती थी। अभी एक सांकेतिक मुद्रा है, जैसे कि अब 2000 का नोट है हमारे पास, 500 का नोट है, संकेत देता हमें कि 500 का नोट है, इस तरह से संकेत, उस टाइम में कोई सोच नहीं सकता था कि सांकेतिक मुद्रा को चालू करवाए, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने उस टाइम में सांकेतिक मुद्रा चलवाई, चांदी के पीतल के सिक्के होते थे उनको सोने के बराबर कर दिया, तो उनका दिमाग था कि सही सांकेतिक मुद्रा बनाया जाए, लेकिन फिर भी उनका ये भी विफल हो गया, क्योंकि लोग घर में ही अपने सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया पीतल को लेकर, इसलिए उनकी ये योजना भी गलत हो गई। दूसरी योजना उनकी ये थी, एक कर वसूला जाता था, जजिया कर जिसको बोलते हैं, जैसे कि मुसलमान है तो सारे मुसलमान एरिया में सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, जो कोई हिंदू रहता है तो उसमें जजिया, उसका टैक्स लगेगा, तो वो बंदा मुसलमान एरिया में रह के नहीं कि एक टैक्स देगा जिसको बोला जाता था जजिया कर, और वो जजिया कर नहीं देगा तो उसको मुसलमान बनना पड़ेगा, तो वो जजिया कर नहीं देगा, तो इस तरह से एक जजिया कर होता था, तो सब जजिया कर देते थे। उसके बाद क्या हुआ, जो आपका गंगा जमुना है उसके बीच में फसल बहुत अच्छी होती थी, तो उन्होंने क्या किया कि पहले सबसे कर बराबर लिया जाता था, लेकिन जब वहाँ फसल ज़्यादा होता था तो उन्होंने सोचा कि उन्हें इनसे ना थोड़ा कर ज़्यादा लिया जाए, तो उन्होंने कर उन पर बढ़ा दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे कर बढ़ाया उसके अगले साल अकाल पड़ गया वहाँ, अब अकाल पड़ गया, जब अकाल ही पड़ गया तो कर कहाँ से देगा आदमी जो कमाई गई नहीं, तो लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अपनी सेनाओं को भेज के वहाँ से बोला कि कर वसूल करके लाओ तुम, तो जितनी जनता थी सब में आक्रोश पैदा हो गया कि बड़ा गलत शासक है। अच्छा,
इसके खिलाफ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इनकी फिर तीसरी योजना एक आपका जो है कि दौलताबाद, दौलताबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, तो यहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी हटा ली। किस लिए हटाई, क्योंकि यहाँ पे मंगोल आक्रमणकारी भी कह रहे थे आप, तो मंगोल ने 19 बार आक्रमण किया था गयासुद्दीन तुगलक पे, ये तो लड़ गए। पर इनकी जब हत्या हो गई तो इनके अंदर एक डर था कि कहीं जो मंगोल आक्रमणकारी हैं वो कहीं हम पे आक्रमण ना कर दे, तो ये दिल्ली था इसको सेफ ना समझ के इन्होंने यहाँ से अपनी राजधानी हटा के पहले दिल्ली की जैसे कि जब आपकी इल्तुतमिश थे ना, इल्तुतमिश के टाइम जो राजधानी हुआ करती थी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन जो आपकी खिलजी हैं वो जो है कि वहाँ से राजधानी उठा के वो दिल्ली लेके आए, और इन्होंने फिर क्या किया कि दिल्ली से अपनी राजधानी उठा के यहाँ से उन्होंने सोचा कि दौलताबाद लेके जाया जाए, जो महाराष्ट्र में है तो दौलताबाद लेके जाएंगे तो वहाँ थोड़ा हमारा सेफ रहेगा। इस चक्कर में तो दिल्ली से उठा के ही दौलताबाद ले जाने की सोच रहे थे, लेके गए भी, जितनी यहाँ की सेना थी सारी सेना हो गए आप मेरे साथ चलो और मैं आपको अपनी दूसरी राजधानी शिफ्ट कर देंगे जो हमारा दौलताबाद होगा, तो सबको यहाँ से ले गए। पर महाराष्ट्र यहाँ से कितना दूर है, तो उस टाइम तो हाथी घोड़े होते थे और पैदल भी जाना होता था, तो कुछ लोग रास्ते में मर गए खाने खाने कारण, प्यास के कारण, भूख के कारण, तो कुछ लोग भूच भी गए तो उनका मन नहीं लगा वहाँ, और जब मन नहीं लगा तो फिर उन्होंने लगा दी वैसा मन नहीं लगा रहा, तो बाद में योजना भी ये भी गलत हुई, फिर बाद में वापिस आ गई। तो उसके बाद जब यहाँ आते आते जो है कि बीच में उनकी हत्या भी हो गई, वापस ही लौटते लौटते राजे की भी हत्या हो गई, तो ये उनकी स्टोरी है। उसके बाद आए आपके फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने बहुत काम करवाया, जैसे कि पानी के नहर वहर बनवाना, स्कूल बनवाना, विद्यालय बनवाना, लेकिन सिर्फ मुस्लिम के लिए, क्योंकि वो भी एक तरह से मतलब जो कट्टर टाइप से कहते हैं उनको, तो इस टाइप से थे, तो उन्होंने सिर्फ जो भी करवाया पर मुस्लिम के लिए करवाया, लेकिन उन्होंने काम बहुत करवाया जो भी, जैसे पानी की नहरें बनवाना, फसल के लिए वो करवाना, कुएँ बनवाना, झील बनवाना, इस तरह से बहुत काम करवाया, जैसे पुल बनवाना, तो इस तरह के बहुत सारे काम भी किए। जैसे आपका ये फिरोज शाह होटल है उनके नाम पर ही है, जो फिरोज शाह तुगलक थे, मतलब इसमें कम से कम 4-5 वंश आए हैं, बीच में आपका एक ये आ गया था शेर शाह सूरी भी बीच में आ गया था इससे पहले, उसके बाद फिर आपका नसरुद्दीन, कई तरह के ये भी आए, कहानी बहुत लंबी छोड़ी है। जैसे मिट्टी भरती गई, रोड बनते गए, घर बनते गए, तो पानी भी थोड़ा स्क्वायर हो गया, मतलब उस साइड चला गया, जैसे पहले जमुना का पानी कनेक्ट हुआ करता था, जो यहाँ की बावड़ी आवड़ी हुआ करती थी ना, उनमें जमुना का पानी कनेक्ट हुआ करता था। अच्छा। और जमुना से पानी यहाँ तक आता था, और इन जो बनी यहाँ बावड़ी है उनकी भी खासियत थी, उन बावड़ी में क्या होता था, पानी अगर भर गया उसके बाद जब पानी कम हो रहा है तो पत्थर भी पानी छोड़ता था। अच्छा। जिससे कि उसमें पानी की कमी ना हो, तो इस तरह के जो पत्थर हैं, बावड़ी है, बाकी जो है 36 गांव हुआ करते थे यहाँ पे, ये सारे ये गांव बने हुए। अच्छा, ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे घर बने हुए थे, ये जो बन, जो अभी तक सही सलामत है, वो क्या है? सही सलामत, वो मस्जिद है। अच्छा, वो मस्जिद है, ये जो गुफा है ना यहाँ पे, जो गुफा बनी हुई है, ये मीना बाजार है राजा महाराजा के टाइम का, ये मीना बाजार है, इसमें मतलब शॉपिंग मॉल टाइम जैसा भी हमारे शॉपिंग मॉल होता है इस तरह से, ये जो अंदर गुफा गई है, ये जो हुआ है उसका नाम मीना बाजार है, पुराने टाइम का शॉपिंग मॉल हुआ करता था, जैसे इसका नाम दिया गया था मीना बाजार। दोनों तरफ अंदर कमरे बने, जैसे 4 कमरे होंगे, फिर बीच में एक गेट है, वहाँ से लेकर यहाँ तक 4 कमरे हैं, बीच में एक गेट है, फिर जो कमरे हैं वो शॉप्स थे, दुकानें थी, शॉपिंग मॉल था, मतलब समझ गया, दुकानें थी सारी, तो इन्होंने बीच बीच में रास्ता भी दे रखा है कि जैसे हमारे शॉपिंग खत्म हो गए बीच में निकल सकते, निकल सकते हो, जैसे देखो 4 कमरे वहाँ है, ठीक है, बीच में 4 कमरे, फिर बीच में गैप दे रखा है, उसके बाद फिर 4 कमरे, फिर यहाँ गैप दे रखा है, फिर 4 कमरे, अभी मैं गया भी था अंदर से, गया भी था वो, इस तरह से इन्होंने हर जगह रास्ते भी छोड़ रखे हैं, बाकी 36 गाँव वो करते थे, और सारे ये जो बना रखे ना, जो सारे ये उनके घर थे सैनिकों के, हाँ सैनिक थे, और जो मतलब प्रजा थी उनके लिए सारे देख रहे हो, होते एक्सीडेंट हो गया तो क्या करता, हमारा काम है समझाने का, मतलब होते हैं समझना ना समझना उनको डिपेंड करता, वैसे हुआ तो नहीं अभी तक फिलहाल, तो कोई ऐसा मेजर नहीं हुआ, लेकिन गिरते रहते तो कई लोग, थोड़ा बहुत तौर पर गिर जाता है जी, पत्थर वाला इलाका है। अच्छा, आप ये जो मतलब स्कूल टाइम में ये सब पूरा पढ़े या फिर आने के बाद पढ़े? किसी और ने कुछ बताया तो उसमें 2-4 बात मैंने सीख लिया, तो जैसे गाइड लोग भी आते रहते हैं तो गाइडों से कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि कैसे क्या है, नहीं है, क्यों है, उसके बाद जो बंदा यहाँ ड्यूटी करता है उसको हर चीज का नॉलेज मिल जाता है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, पढ़ाई भी है। ये कहाँ से किया? मैंने बिहार से। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स है। अच्छा, कॉमर्स है। बिहार में कहाँ से हो? बिहार में पटना से हूँ। पटना में कहाँ से? पटना में आपका मैं ये पढ़ैया जानते हो? पढ़ैया बाढ़, पढ़ैया बाढ़, पढ़ैया ना उस साइड से, पढ़ैया से है, रसगुल्ला मशहूर है वहाँ का, ये भी बाढ़
ये जो बना रखा है, जो गुफा आपको दिख रही है, इसका नाम है सर सीक्रेट पैसेज, क्योंकि इसके अंदर से लोग निकलते थे और निकल के फिर इसके अंदर से आगरा या फिर किसी और भी जगह पे इस तरह से रास्ता फैला हुआ है और अंदर तक रास्ता जाता है, क्योंकि इस रास्ता, ये रास्ता इसलिए बना रखा था क्योंकि जो कोई जो मंगल आक्रमणकारी, मैंने बताया कि 19 बार उन्होंने हमला किया था गैसुद्दीन तुगलक पे, तो उनको डर भी था कि अदरवाइज अगर जो ज़्यादा सेना हो तो हम पे हमला करे, अगर जो कोई ऐसा है नहीं बचने का रास्ता हो तो यहाँ से हम अपना भाग सकें, इसलिए आगरा तक ये रास्ता, इसलिए इन्होंने यहाँ से आगरा तक कम से कम अपना रास्ता बना रखा था। डाउन हो गया ना, बढ़िया दिखा। ये देख रहे हैं आप, ये रास्ता जा रहा है, ये ऑन कर देंगे आपको, ये अंदर तक रास्ता जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक का बनवाया हुआ, तुगलकाबाद किले में ये सीक्रेट पैसेज है, जिससे कि यहाँ से राजा महाराजा जो है कि अगर जो कोई इन पे ज्यादा हमला हो जाता था तो यहाँ से बचने का, बच के बाहर निकलने का रास्ता था उनका, ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। ये रास्ता जो है यहाँ से आगरा तक ये रास्ता फैला हुआ है और यहाँ से आगरा तक ये अंदर से रास्ता जा रहा है। वहाँ भी जो आपने सुरंग देखा, ये यहाँ से लेके आगरा तक जा रहा है, क्योंकि इन पे मंगोल आक्रमणकारी बहुत 19 बार कम से हमला किया था इन्होंने, इसीलिए बचने के लिए इन्होंने एक रास्ता बना रखा है कि यहाँ से बच के बाहर या आगरा तक पहुँच सकें, लेकिन उस टाइम का रास्ता है ये और अब बंद हो चुका है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बना रखा है, ये फायरिंग के लिए वो करता था, क्योंकि इतने आगे से चौड़े हैं और पीछे से स्क्वायर है इस टाइप से, क्योंकि यहाँ से कोई तीर मारे तो सही से लग सके और पर उधर का कोई तीर आए तो इधर ना लग सके, इसलिए थोड़ा इधर चौड़ा है और इधर स्क्वायर है। ये देख रहे हैं सामने, जो आपको सामने दिख रहा है, ये गयासुद्दीन तुगलक का टॉम है, तो पूरा टॉम बना हुआ है गयासुद्दीन तुगलक का, जिसमें तीन कब्रें हैं, एक गयासुद्दीन तुगलक का और एक मोहम्मद बिन तुगलक का जो उनके बेटे थे, एक उनकी वाइफ का जो कि हरियाणा की जाटनी थी, और तीन कब्रें उसमें हैं और उनके साथ में जो उनके सेनापति हुआ करते थे एक उनकी कब्र है। जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनके पिताजी का नाम हुआ करता था करुणा तुर्क तुगलक गुलाम। ये सामने देख रहे हैं सारा गयासुद्दीन तुगलक का टॉम बना है। दुकान टाइप से और इसी तरह से इसमें कम से कम 40 कमरे हैं, यहाँ से वहां तक 40 कमरे बना रखे हैं और ये सारे कमरे हैं जो दुकान हुआ करते थे पुराने टाइम का, एक तरह से शॉपिंग मॉल कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि इसका नाम दिया गया था मीना बाजार। ये कुंडी लगाने के लिए, और ये जो देख रहे हैं आप, ये उसके लिए, इसमें क्या होता था, एक सरिया होता था, दो टाइप से सरिया होता था, और इसको इसमें लगा के और फिर एक नीचे भी दो छेद होते थे उसमें लॉक कर देते और एक इसमें लॉक करते थे सरिया डाल के और बीच में एक फट्टा डालते थे जिससे ये लॉक हो जाता था, इसके लिए मतलब इसका डोर था। ये जो बना रखे ये दिए रखने के लिए मतलब लाइटिंग के लिए। जैसे देख रहे ये सर चार कमरे हो गए ना, चार कमरे के बाद एक बीच में एक जीना दिया जाता था, जैसे ये जीना है क्योंकि वहां से आदमी आया और यहाँ तक हमारी मार्केटिंग खत्म हो गई तो ये हमारा रास्ता होता था यहाँ से बाहर निकलने का। तो ये ऊपर खुला होता था, ये ऊपर खुला इसलिए होता था क्योंकि इसमें इतनी लाइट है, जैसे कि उस टाइम दिए होते थे सर, तो दिए जला के सर इतनी रोशनी नहीं पैदा कर सकते, इसलिए बीच में इतना गैप छोड़ देते बारिश कि इससे थोड़ी रोशनी आ सके। अगर बारिश का पानी आया अंदर तो, बारिश का पानी सर आने से कुछ नहीं होता था क्योंकि इसके लिए भी सर यहाँ पे एक तरह से नाले टाइप से बने हुए थे, साइड से बारिश आ भी गया पानी आ भी गया तो एक नाले बने हुए थे जिससे उस नाले से ऑटोमेटिक पानी जो है बाहर साइड से, इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया था। ये सारे रोशनदान है उसके लिए, ये सारे रोशनदान हुआ करते थे कि अगर जो ये बाहर में भी रोशनी चाहिए, रात हो गया अंधेरा हो गया तो यहाँ पे अपना एक दिया वगैरह जला दिया या लैंप रख दिया कि जिससे मतलब रोशनी यहाँ पे हो सके।
ये सब अलग अलग शॉप दिखे। दरवाजे पे हम लोग क्या चौखट लगता है, तो ये एक प्रॉपर पत्थर पत्थर का ही चौखट है। चौखट बनाएंगे एक पत्थर ये, एक पत्थर ये, एक पत्थर ये, ये पत्थरों से ही लॉक किया जाता है सर। जैसे ये है ना, हाँ जी, कि ये जो है तो उस टाइम में क्या होता था, जैसे भी लकड़ी होती थी ना, हाँ हाँ। लकड़ी जो होती थी लकड़ी को इसमें लॉक कर ठीक है, और दो छेद यहाँ भी हुआ करते थे, जैसे कि इसमें नहीं है पर मैं और दिखाऊंगा। जैसे ये छेद है तो दो लॉक इसमें और दो लॉक इसमें, और जैसे इसमें दिखाई पत्थर में छेद भी होगा, नीचे भी दो छेद होते हैं पत्थरों में, जिससे इंटरलॉक बढ़िया से हो सके। ये बड़ी दुकान है, थोड़ा बाहर बैठ रहा है, बाहर बैठो खुले में। सर आप जो ये देख रहे हैं, ये चक्की हुआ करता था पुराने टाइम का, जैसे मिक्सर टाइप से ये चक्की हुआ करता था। इसको यहाँ पे स्क्वायर जो ये जो देख रहे हैं, जो साइड में जो ये गोल बना हुआ है, ये इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था। अच्छा। इसके पूरा राउंड इज राउंड, इसमें मतलब कि कोलू का बैल लगा के इसको गोल गोल घुमाया जाता था। इसमें अपना एक मटेरियल बनाते थे, जैसे कि जिससे ये जो किला है जो बना हुआ है, तो इसको बनाने के लिए इनको एक मटेरियल की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं सीमेंट लगा हुआ है इसमें, ये जो सीमेंट लगा हुआ है ना, तो उस टाइम में सीमेंट तो होते नहीं थे, तो उस सीमेंट को तैयार किया जाता था। ये लोग नेचुरल एक सीमेंट बनाते थे, तो सीमेंट ऐसे बनता था जैसे कि आपका काली मिट्टी हो गया, चूना हो गया, चावल का पानी हो गया, गुड़ हो गया, इन सब चीज़ों को मिक्स करके, और उसके बाद एक लाल पत्थर होता था, तो लाल पत्थर को इससे पीसा जाता था। तो लाल पत्थर को पीस के, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है, जो बने हुए गड्ढे बने हुए, इन गड्ढों में इन जो चूना होता था उसको मिलाया जाता था। जब भी दिख रहे हैं चूना दिख रहा है साइड में, अच्छा अच्छा, तो जो मटेरियल होता था ना, उस मटेरियल को इसमें मिलाया जाता था, और इसमें मिला के फिर यहाँ से सप्लाई किया जाता था और भी एरिया में, कि जहाँ पे अपना उसको यूज़ कर सकें। सर ये जो आप देख रहे हैं, आजकल हम कोई घर बनाते हैं एक तरह से, जो हमारे मकान है, जैसे कि मुश्किल से 10 साल या 15 साल चल पाते हैं, उसके बाद हमारे घर मकान में दरार आना स्टार्ट हो जाती है, टूट जाता है। लेकिन ये देखने के लिए जो कि कम से कम 700 साल या 800 साल पुराना है, लेकिन फिर भी जैसे का तैसा बना हुआ है, और अभी तक टूटा क्यों नहीं है, इसका भी एक वजह है, क्योंकि ये लोग एक पत्थरों से इंटरलॉक करते थे। जैसे कि एक पिलर खड़ा करना है तो उसके लिए ये इंटरलॉक करते थे, जैसे कि आपने वो गैप देखा ना चक्की में, जो गैप देखा, इसी तरह से कि एक बड़ा पत्थर रहते थे उसमें एक गैप बनाते थे, और जो दूसरा पत्थर होता था उसमें गैप छोड़ देते थे, और दोनों पत्थरों को सर एक इंटरलॉक करते थे, दोनों को जोड़ के एक इंटरलॉक करते थे, जिससे कि वो कभी ना टूट सके। और साइड से जो इनका मटेरियल होता था, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कि काली मिट्टी हो गया, चूना हो गया, और आपका जो भी है मतलब जितना मटेरियल होता था, उन मटेरियल को फिर साइड में लगाया जाता था, जिससे इनकी मजबूती हमेशा जो है कि बनी रहती है। और इसी कारण जो है कि सर ये 700 साल या 800 साल पुराना होने के बाद भी जैसे के तैसे सर इनकी मजबूती बनी हुई है, और ये किला अभी भी आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, क्योंकि इनकी मजबूती अभी भी बहुत बढ़िया है। सर ये जो सेनापति थे उनके, ये उनके सेनापति का घर था, जो सेनापति थे ये उनका महल था, एक छोटा टाइप से मतलब घर टाइप से कह सकते हैं। ये देख रहे सर ये आर्चेस कितने बढ़िया बना रखे हैं, ये जो आर्च बना रखे हैं ये सारा इस पर कारीगरी की गई है। तो ये जो था ये उनका गेट था, जो घर का मेन गेट था, जो उनके सेनापति थे, उनके सेनापति का ये पूरा घर था, मतलब यहाँ से लेके अदरवाइज वहाँ तक फैला हुआ है। ये सारा बना रखा है, ये इस साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक घर था, इस साइड में बैक साइड में उनको मतलब बाथरूम वगैरह कुछ इस टाइप से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा जो उनके सेनापति हुआ करते थे वे उनका महल था एक तरह से, छोटा से यहाँ से यहाँ तक ये सेनापति का उनके महल बना हुआ था। ये देख रहे हैं सर ये गयासुद्दीन तुगलक का बनवाया हुआ सर ये मस्जिद है,
लेकिन ये छोटा आप देख रहे हैं कि इतना छोटा मस्जिद है। छोटा मस्जिद भी सर इसलिए है क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक थे ये उनका एक स्पेशल मस्जिद था, इसमें सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक या फिर जो राजा के जो स्पेशल लोग थे सिर्फ वही यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ सकते थे और दूसरे किसी के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं था। तो इसलिए मस्जिद छोटा है क्योंकि ये सिर्फ जो राजा थे सिर्फ उनके लिए ये बनवाया गया था। ये बहुत छोटी मस्जिद है, देख सकते हैं दो सफ की है सर, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक इमाम होंगे और दो सफ लग सकते होंगे मुश्किल। तो सिर्फ राजा के लिए जैसे कि बता रहे हैं सिलेक्टिव पीपल, हाँ जी जी, के सिलेक्टिव पीपल जो होंगे राजा के खास लोग होंगे वो नमाज पढ़ते होंगे और ये उसी के बाहर है जो राजा के खास लोग हुआ करते थे सिर्फ उनके लिए हुआ करता था और जो राजा थे सिर्फ उनके लिए, मतलब और किसी के लिए ये अलाउड नहीं था। अच्छा वजू के लिए भी लगे, वजू बनाना है, ये वजू खाना है, ये जो साइड में सर ये वजू खाना बना रखा है। अच्छा ये जो एरिया है हाँ। इस एरिया में सर वजू खाना बना हुआ था लेकिन जो है कि मिट्टी भरने के कारण थोड़ा ये हो गया, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा गड्ढा भी था। अच्छा। जिससे यहाँ पे पानी भरा हुआ था, उसमें लोग मतलब वजू वगैरह करते थे और उसके बाद फिर यहाँ जाके सर नमाज पढ़ते थे। इसके बारे में पूछ लिया, अब राजा का नाम गया तो फिर इंग्लिश पूछेगी, इंग्लिश जब नहीं आया तो क्या बताओ, मैंने कहा दिस वेरी बिग किला, या गुड गुड वेरी बिग किला, मतलब कुछ अलग ही तरीके से जब नहीं आ रही तो क्या हो रहा, पर मिला जुला का इन्फॉर्मेशन तो आपको है, इन्फॉर्मेशन तो सर पूरी है, इन्फॉर्मेशन तो यहाँ गाँव वाले लोग भी पूछते हैं। यहीं की नहीं, मैं कई किलो पर ड्यूटी कर चुका हूँ यहाँ से पहले, मैं आपका क्या कहते हैं बिहार में आपका इलालंदा खंडर है वहाँ ड्यूटी कर रखा हूँ, उसके बाद आपका कुतुब मीनार है वहाँ ड्यूटी कर चुका हूँ, जैसे कि इल्तुतमिस है और जैसे कि आपका ये कुतुब मीनार है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा डरपोक शासक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है डरपोक शासक था, इसलिए वो यहाँ पे आया तो सही सब कुछ किया, पर वो बड़ी जल्दी यहाँ से भगकर चला गया और अपने लाहौर या फिर जो भी उसका एरिया था अपने उधर ही जाकर रहने लगा। लेकिन जो ये इल्तुतमिस था उसका दामाद था, तो इल्तुतमिस ने वो करवाया, जो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का गुलाम वंश था ठीक है, और ये तो इल्तुतमिस इसको बोला जाता था गुलामों का भी गुलाम, क्योंकि ये गयासुद्दीन जो सॉरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम था, इसलिए इसको बोला जाता गुलामों का गुलाम, और इसने मतलब की शुरुआत करवाया था जो आपका कुतुब मीनार है। लेकिन और इसका तो हत्या हो गई थी पोलो खेलते हुए, ये घोड़े पे चढ़ के गेम होता है पोलो खेलते हुए, तो पोलो खेलते हुए इसकी हत्या हो गई थी गिर के। बाकी जो इल्तुतमिस है उसने इस किले को बनवाया, और बाकी इसमें मतलब कुतुब मीनार को बनवाने में सिर्फ एक उसका नहीं है बल्कि और भी कई राजा उसमें आए, क्योंकि उसका देखे हो गए तो कुतुब मीनार का जो है ना कंस्ट्रक्शन जो थोड़ा अलग अलग है, कहीं पे कोई पत्थर लगाया कहीं पे कोई पत्थर लगाया, क्योंकि उसमें कई राजा जो अफरोज़ा तुगलक है कुछ ऐसे लोग भी गए उसमें वो करने के लिए अपने योगदान, तो जब बनाया वो। और उसके बाद उसकी बेटी थी आपका इल्तुतमिस की बेटी थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जो मतलब अपने इंडिया की सबसे पहली सुल्तान थी महिला में, उसके बाद मतलब सुल्तान था ही नहीं महिला में। अच्छा ये तो बात हो गई हिस्ट्री की, अभी की बात करते हैं, अभी क्या आसपास के गांव वाले भी घुस जाते हैं क्या? हाँ आसपास के गांव वाले भी घुस जाते हैं और परेशानी भी आती है, लोकल इलाका है तो कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ गेट नहीं है, ये देख रहे लाहौरी गेट ये देखो ये है ना, ये भी गेट था, गेट कई तरह के हैं, देखो गेट नहीं दिख रहा है, ये गेट है यहाँ पे कई तरह के गेट है, यहाँ पे क्या ना कुछ लोग इधर उधर से आप भी जाते हैं लोकल है, जानवर लेकर के छोड़ जाते हैं, जैसे उधर जाओ देखो गाय भैंस भी घूम रही है, तो कई जगह से और एक मैदान उधर भी है वहाँ पर भी क्रिकेट खेल रहे हैं तो उधर से भी लोग आ जाते हैं कई जगह से ना, यहाँ भीड़ रास्ते तो लोग आ जाते हैं, तो थोड़ा वैसा कोई डर नहीं है, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी है तो सेफ्टी है, वैसे कोई इशू नहीं है, पर ये है कि थोड़ा बहुत तो होता है फिर भी, जैसा कुतुब मीनार में एक परिंदा भी पंख नहीं मार सकता है, वहाँ सर सेफ्टी है ना पूरी, स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ पे आपने पुलिस देखी बार, यहाँ पे अगर हम किसी से लड़ाई कर लेते हैं ऑब्वियसली ठीक है कि हमने किसी को समझाया धमकाया, अगर जो कोई हमने लड़ भी लिया किसी से चार लोग आ गए हमें पीट के चले जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, तो उसके लिए या तो सेफ्टी होनी चाहिए, आज यहाँ पुलिस होना चाहिए या कोई डिपार्टमेंट का बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके लिए हम
कुछ ही दमें दिक्कत हो तो उसको हम बता सके, इन्फॉर्म कर सके। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे वैसा देख रेख नहीं है? जैसे आप बता रहे हैं कि आप कुतुब मीनार में भी काम कर चुके हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी है पूरा, कि वहाँ पे कोई नहीं घुस सकता है बिना टिकट के या किसी भी तरह से? वजह सर क्या होगी, इसकी वजह क्या है कि मान लो जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं या फिर जो हमारे अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए इसके लिए, तो उनको यहाँ पे मतलब जो भी है प्रशासन के पास अगर जो कुछ ऐसा भेजेंगे कि हाँ जी हमें सर यहाँ पुलिस चाहिए या फिर दो कॉन्स्टेबल चाहिए, फिर कोई ऐसा बंदा चाहिए, तो जरूर आएगा, जरूर आके बैठेंगे। लेकिन अगर जो अधिकारी रहेंगे ऑर्डर नहीं होगा तो वैसे तो कोई आके नहीं बैठेगा। अच्छा, ये जगह बदनाम भी है कि यहाँ पे कपल्स लोग जो है ज़्यादा करके आते हैं? ये है कि पब्लिक यहाँ कम आती है, यहाँ पे संडे में पब्लिक देखने को ज़्यादा मिलती है, संडे और सैटरडे, बाकी अदर डे क्या है पब्लिक यहाँ कम रहती है, इसलिए क्या है कि ज़्यादातर कपल ही लोग आते हैं। इतना बड़ा किला है, आपने मान लो हिस्ट्री पढ़ के आए हो, आपको पता है कि हाँ ये तब तो मैं समझ गया, लेकिन आज आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है फिर कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप आगे ऐसे देखोगे आपको समझ नहीं आएगा क्या समझोगे, भाई पत्थर है पत्थर है पत्थर पर चले जाओगे, फिर कहोगे भाई सर कुछ नहीं दिखा रहा, पत्थर तुमने दिखा दिया, हमारे 2500 रुपये कटवा दिए या फिर 20 रुपये कटवा दिए जितने भी आपकी टिकट है, ऐसे में क्या होता है कि आपको समझ में जब नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा, और जो आपने घूमा आपको समझा देखा तो जो कोई आपके साथ है या जो या तो आप हिस्ट्री पढ़ के आए हो तब तो आपको सही है कि हम ये समझ में आ गया भाई साहब, ये जो है ये जो लाइन लगी हुई है, ये है ये मस्जिद है, ये फलाना है ठिकाना, जो कुछ हमें पल नहीं पड़ा तो फिर घूमने का क्या फ़ायदा। और यहाँ वैसे हम लोग कम आते हैं आने का, जिसको सही लगता है वो आते भी हैं, बाकी ज़्यादातर कपल ही आते हैं, कपल जो कपल लोग हैं उनके पास ज़्यादा टाइम है, हमारे ऐसे लोग जॉब करने वाले कितना हम लोगों के पास कहाँ टाइम इतना। उसी के बारे में बताया था जो गुजर लोग वहाँ आस्था रखते हैं। और एक तुगलकाबाद किले का सर ये जो है ये इसमें फांसी दी जाती थी, जो कोई गलती करता था उनको फांसी देने के लिए सर ये कुआं बना रखा था, और इसमें फांसी सर इसलिए दिया जाता था जैसे ये जो सामने आपका ये ना ये जो गैप है इस गैप से एक मतलब स्टैंड टाइप से आता था, जैसे सामने से एक फट्टा टाइप से आता था यहाँ से यहाँ तक लटकता था, उसमें उसमें सर यहाँ पे जो है कि फांसी दी जाती थी लोगों को, ये फांसी देने के लिए बना रखा था कुआं, और सामने से स्टैंड आता था लटकाने वाला और यहाँ पे लटकाया जाता था लोगों को फांसी में। ये देख रहे सर यहाँ पे जो कुएं बनाए हुए हैं, पहले ये भी कुआं था पर पत्थरों से जैसे पत्थर वगैरह ज़्यादा है ना तो भर गया कुआं ये, ठीक है, और बाकी आगे भी कुआं है। ये देख रहे हैं ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि पानी के लिए बनाया गया वो कुआं ये, लेकिन ये पानी के लिए कुआं नहीं बनाया गया था, जो राशन होता था जैसे कि गेहूं, क्योंकि उनकी कम से कम तो 8000 सेनाएं थी तो उतनी सेना रखने के लिए खाना भी चाहिए, तो इसलिए इसमें गेहूं चावल जो होता था उसको स्टोर करने के लिए ये बना रखा था उन्होंने, तो ये कुआं टाइप से जो अनाज होता था उसको स्टोर करने के लिए बनाया गया। देख रहे हैं आप ये वॉच टावर है, और ये वॉच टावर इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से अगर कोई हम पे हमला करे तो ये थोड़ी ऊंचाई पे है तो यहाँ से हम देख के उसको फायर कर सकते हैं, पहले ही अलर्ट हो जाए, पहले ही अलर्ट हो जाए, और अलर्ट हो जाए मतलब तीर वगैरह चलाने के लिए यहाँ पे बना रखे हैं। ये देख रहे हैं ये जो वॉच टावर है गोल तो बना ही हुआ है लेकिन बीच बीच में की खिड़कियाँ बना रखी है, यहाँ से देख रहे हैं चौड़ा है लेकिन आगे से स्क्वायर है, छोटा है ना आगे से, क्योंकि यहाँ से जो तीर मारे तो उसको लग जाए लेकिन जो उसकी तीर आए तो हमें ना लगे, इसलिए आगे छोटा है और पीछे बड़ा है, तो ये सारा वॉच टावर है, देख रहे हैं सारी खिड़की देखिए तो सारी खिड़कियाँ ऐसे बना रखी है कि हम पे कोई हमला करे तो यहाँ से उसके लिए हम तीर वगैरह चला सकें, तो इसका नाम वॉच टावर है। और यहाँ चारों तरफ उस टाइम में राजा के टाइम में सोल्जर्स लगाए जाते थे। तुगलकाबाद गांव है ये, इस साइड में जितना फैला है तुगलकाबाद गांव है, और इसके ये जो नीचे देख रहे हैं आप ये वाला जो देख रहे हैं जो बना हुआ है नीचे ये गेस्ट हाउस है,
जैसे जो राजा महाराजा के जो मेहमान आते थे उनके रहने के लिए बनाया गया था। ये गेस्ट हाउस है, यहाँ से वहाँ तक सारा गेस्ट हाउस है। और उस साइड मुझे सामने देख रहे जो फील्ड देख रहे हैं, उस फील्ड के पीछे जो है कि झील बनी हुई थी एक तालाब टाइप से, और उसके उन्हें देख रहे हैं आज देख रहे हैं वो सामने एक आर्च है। उर्च आर्च में सर जो हाथी घोड़े होते थे ना उनके बांधने के लिए उधर व्यवस्था थी सारी, जैसे हाथी हो गए घोड़े हो गए उनके बांधने के लिए उधर होता था। और उसके इस साइड मुझे सामने है ये महल हुआ करता था राजा का। मुझे सामने हल्का जूम कीजिएगा, वो जो सामने है ना वो राजा का महल था, किंग प्लेस। उसमें राजा रानी रहते थे, या रहे गुजर या ये हो जाए उजर। उसका शराब था निजामुद्दीन औलिया का, या तो रहे उजर या बसे गुजर। तो ये जो हो गया सर कंट्रेक्शन जो है बिगड़ गया, कंट्रेक्शन का भी बन ही नहीं पाया, तो ये हो गया उजर। और पीछे तुगलकाबाद जो गांव है वहाँ सारे गुजर बस गए। ये तुगलकाबाद गांव में 90% जो गुजर कमेटी के लोग हैं वही लोग ज़्यादातर रहते हैं। वीडियो बहुत ठीक है, 25-30 मिनट का लगेगा। ये देख रहे ब्रो, ये जो है हमारा ये नक्शा है, ये जो तुगलकाबाद किला जो पूरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन है तुगलकाबाद किले का, ये पूरे किले का नक्शा है जिसमें कि यहाँ से लेके यहाँ तक सर जितने गेट हैं उन गेटों के नाम दे रखे हैं, और जितने बावड़ी हैं उस बावड़ी का नाम है, और पूरा ये जो है इस किले का पूरा नक्शा बना रखा है। तो इसमें गयासुद्दीन टॉम्ब है, बावली है, पैलेस एरिया है, मीना बाज़ार है, जामी मस्जिद है, आदिलाबाद फोर्ट है, तमाम चीज़ की जानकारी है। तो इससे आप एक बार देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी जगह है, और अगर आप किसी जगह पहुँचना चाहें तो यहाँ पर जितने भी गार्ड हैं बहुत आपको हेल्पफुल हैं, वो आपको तमाम चीज़ बताएंगे, तो आप उनकी मदद से पहुँच सकते हैं। क्योंकि किला बहुत बड़ा है, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर आपने मैप और गार्ड का सहारा नहीं लिया तो, इसलिए ज़्यादा होशियार ना बने। ओके गाइज, ऑल फोर्ट क्लियर हो गया है, आपको मैंने पूरा फोर्ट दिखा दिया, और पूरा फोर्ट के बारे में जितनी जानकारी हो सकी मेरे से मैंने सारी जानकारी दी। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू। हम अपने गाइड कम गार्ड से इजाज़त लेकर वापस निकल रहे थे, अब हमें जाना था मकबरा। और इसी बीच में एक बार फिर हम जद्दोजहद करने वाले थे बंदर से बचने, बहुत डर डर के हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, बंदर बहुत। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं अगेन बंदरों के बीच से होते हुए। तो मैं चाहूँगा हमारे दोस्तों से कि बच्चे निकलें। और आखिरकार हम बाहर निकल गए और सड़क पार करके हम मकबरे की जानिब बढ़ने लगे। तो इस तरफ भी हमें बहुत बड़ी संख्या में बंदर देखने को मिले, और हम लोग डर डर के बहुत मेहनत से मकबरे की तरफ जा रहे थे। मकबरा बाहर से काफ़ी खूबसूरत और वसी दिख रहा था, ये बिल्कुल किला नुमा स्ट्रक्चर था इसका, चारों तरफ से किलाबंदी इसकी भी की गई थी, और इस्तकबाल में हमारे थे कई बंदर। बोर्ड पर बाहर बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम अंदर दाखिल हुए। काफ़ी साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत इमारत थी, हम सीढ़ियों की मदद से ऊपर गए तो ऊपर हमें काफ़ी हरियाली दिखी। लेकिन इसका जो दरवाज़ा था वो भी बहुत खूबसूरत था, लकड़ी का। अगर ये 700 साल पुराना है तो ये अपने में एक बड़ी बात है कि उस ज़माने के स्ट्रक्चर को आज तक मेंटेन करके रखा गया है। और इसी के साथ हम पहुंच गए गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के कंपाउंड में, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी ज़िंदगी में ही बनवाया था। अभी हम गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के अंदर हैं। इसके अंदर आप तीन कब्र देख रहे हैं, इसमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि ये तीनों किसके कब्र हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो बोर्ड लगाया है उसके अनुसार गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी ज़िंदगी में ही अपना मकबरा बनवाया। तो ये बीच का जो इलाका है इससे ये पता चल रहा है कि ये गयासुद्दीन तुगलक यहीं पे आराम फरमा रहे हैं, और सेम ये बगल वाला जो स्ट्रक्चर वैसा ही है।
बादशाह का है, या तो ये गयासुद्दीन तुगलक का है और ये उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक का है। और इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये गयासुद्दीन तुगलक की वाइफ यानी बीवी का हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का हो और ये गयासुद्दीन तुगलक की वाइफ का हो, या गयासुद्दीन तुगलक का हो, लेकिन एग्जैक्टली हम कोई बोर्ड नहीं है तो इस वजह से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि ये किसकी कब्र है। लेकिन ये मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी ज़िंदगी में बनवाया था 1325 के आसपास। अभी हम तुगलकाबाद के जिस इलाके पे खड़े हैं इसका नाम है टॉम्ब ऑफ ज़फ़र ख़ान, यानी ज़फ़र ख़ान का मकबरा है ये। ज़फ़र ख़ान खिलजी डायनेस्टी के एक अजीम जनरल हुआ करते थे जिन्होंने फ़ौजी महारत में एक अलग मुकाम हासिल किया। ये वॉरियर वो है जिन्होंने आज तक मैदान जंग में कोई हार का सामना नहीं किया, ये गाजी हैं प्रॉपर, लेकिन उसके साथ ये शहीद भी हैं। मंगोलों से एक वॉर में लड़ते हुए ये शहीद हुए थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो एक बहुत बड़ा खिलजी वॉरियर है जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है, वो ज़फ़र ख़ान से डरता था, उसे लगता था कि ज़फ़र ख़ान उसको दाब के आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए ज़फ़र ख़ान उस जंग में उनको पीछे से बैकअप नहीं मिला, इस वजह कर वो शहीद हो गए। लेकिन वो जंग खिलजी डायनेस्टी के रूलर ने जीत लिया था, मंगोल वो जंग हार गए थे। और ज़फ़र ख़ान उन लोगों में से है जिन्होंने हिंदुस्तान को और ख़ासकर दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के हमलों से बचाया। और मंगोल वो थे जिन्होंने पूरे दुनिया को फतह कर लिया था, लेकिन वो हिंदुस्तान में हारे, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस अजीम वॉरियर ज़फ़र ख़ान का है। और ये जो मकबरा है इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है, और गयासुद्दीन तुगलक हमारे सामने यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की भी कब्र है, और यहाँ पे अंदर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़फ़र ख़ान आराम फरमा रहे हैं। यहाँ की दीवार पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और ये एक मकबरा है जिसके चारों तरफ से रास्ता है और जिसके अंदर हम जा सकते हैं। तो ये देखिए, ये ज़फ़र ख़ान की कब्र है, ज़फ़र ख़ान यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। और इसे बनाया है, ये खिलजी थे लेकिन बनाया है इस मकबरे को गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक खिलजी को दाब कर ऊपर आए थे दिल्ली की सत्ता पे, उन्होंने कब्ज़ा किया। ये जो ज़फ़र ख़ान का जो मकबरा है ये इस पूरे टॉम कॉम्प्लेक्स का पहला स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया गया था जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया इस मकबरे को। लेकिन इसके साथ ये जब बनकर तैयार हो गया तब गयासुद्दीन तुगलक को आइडिया आया कि हम इसी इलाके में, चूँकि ये पूरा चारों तरफ से लेक था और लेक के बीच में ज़फ़र ख़ान का मकबरा इस्टेब्लिश किया गया, तो इसको इस्टेब्लिश करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक को अपना मकबरा इस्टेब्लिश करने का ख्याल आया। तो इनके मकबरे के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अपने खुद का टॉम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ये जो ज़फ़र ख़ान का मकबरा है ये पेंटागोनल है, और पेंटागोनल होने के बाद थोड़ा सा ज़रा सा स्पेस दिया गया है जिसमें आप तवाफ़ कर सकते हैं, चारों तरफ आप घूम सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें कोई मकबरा नहीं है, कब्र नहीं है, ये बस पेंटागोनल स्ट्रक्चर है और चारों तरफ से तवाफ़ और परिक्रमा करने के लिए स्पेस दिया गया है। और ये जो पूरा एक चारों तरफ एक किला नुमा है, वॉल से घेरा हुआ है और इसके चारों तरफ पानी हुआ करता था, इट वॉज़ अ लेक, और इस लेक के बीच में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये पूरे मकबरे को, मकबरे का जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स को लेक के बीचों बीच इस्टेब्लिश किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के तरफ। तो जैसा इंज़माम ने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको चारों तरफ से पानी से यानी नहर से या तालाब से घेरा गया, ये हैंडमेड था, इंसान के द्वारा बनाया गया। अगर इसी चीज़ को अगर हम आज मौजूदा अगर किसी इमारत को देख सकते हैं तो आपको बिहार के ससाराम जाना पड़ेगा, शेरशाह सूरी का रोज़ा देखना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर भी बीच में है और उसके चारों तरफ मैनमेड तालाब है। तो कुल मिला के इसे भी इसी तरह से बनाया गया था, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर वो चीज़ तो नहीं दिखती है, लेकिन आप ससाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे को सेम वैसे ही हालत में देख सकते हैं कि मकबरा बीच में है और उसके चारों तरफ पानी है। जैसा ये अभी होल्स दिख रहे हैं, ये इसमें होल्स नहीं था, इसमें लोहे का जंजीर फंसाया गया था, और जो आप अभी देख सकते हो ऊपर के हिस्से में बचा भी हुआ है, ये जो जंजीर है इस जंजीर के हेल्प से लोग जो कारीगर हुआ करते थे, सर रख रखाव देखने वाले लोग ऊपर चढ़ते थे और ऊपर के हिस्से को साफ सफाई करने के लिए, उसके रख रखाव के लिए इस जंजीर के सहारे ऊपर चढ़ा जाता था और फिर ऊपर से देखभाल किया जाता था, ऊपर की साफ सफाई की जाती थी। ये ग्रील्ड है, अभी ये बंद किया गया है, लॉक किया गया है, बेसिकली ये सीढ़ी है,
तो जब तुगलकाबाद किले से एक नीचे से गुफानुमा रास्ता है जिसके जो यहाँ तक इस फोर्ट के पास पहुँचता है, और इस फोर्ट को इस कॉम्प्लेक्स को जो क्या मकबरे तक पहुँचने के लिए सीढ़ी बनाया गया है जिसे जीना कहा गया। ये जीना आप देख सकते हैं जो अंदर बिल्कुल गुफे में जाता है, और ये गुफा सीधा आपको तुगलकाबाद फोर्ट तुगलकाबाद किले तक पहुँचती है। ये जो होल्स बनाए गए हैं तकरीबन 8 फीट चौड़े वॉल है, ये दीवार है और तकरीबन 8 फीट चौड़ी है, और ये बिल्कुल यहाँ से जो आर्चर्स हुआ करते थे जो तीर और अपने हथियार लेकर के रहते थे ताकि इस बिल्डिंग की इस कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा की जाए, इसलिए यहाँ पर होल्स बनाए गए हैं जगह जगह पर ताकि यहाँ से निगरानी कर सके, नज़र रख सके दुश्मनों पर। आम तौर पर इस तरह के सुराख और इस तरह के होल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे तोपें तीर वगैरह लगाया करता था, लेकिन इसके अलावा ये आम तौर पर ये कहने वाली बात है, लेकिन अगर हिस्टोरिकल फैक्ट और आर्कियोलॉजिकल और इसके अलावा उससे हट के अगर बात की जाए, साइंस पे अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए, तो ये सब जो इमारत है इसमें होल जानबूझ के दिया जाता था, कई बार हवा के रुख से इसको बचाने के लिए, कई बार फ्लड आ जाता, बहुत सारी ऐसी वजह है जिससे इसको सिक्योर किया जाता था इसकी हिफाजत के लिए, और ये सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है इस तरह का होल। उस ज़माने की ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल करके इस इमारत को हम आज 700 साल हो जाने के बाद भी उसी तरह से सही सलामत पा रहे हैं। ये उस ज़माने की टेक्निक थी जो इस दीवार को और मजबूत करती थी। बीच में होल का इस्तेमाल होता था कि अगर तेज़ हवा चले तो इस दीवार को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, हवा आर पार कर जाए, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें 3 दरवाजे हैं, 3 तरफ से एंटर किया जा सकता है, पूरब की जानिब से, उत्तर की जानिब से और दक्षिण की जानिब से। लेकिन जो पश्चिम का दीवार है वो बंद है, वहाँ पर बिल्कुल मार्बल से उसको पैक किया गया है, बंद किया गया है। वहाँ पर पश्चिम की जानिब जो बाउंड्री की गई है दरवाज़ा नहीं है, यानी 3 जानिब से दरवाज़ा। उसका एक बेसिक मकसद है कि आम तौर पर जो हम लोगों के यहाँ जब कोई मैयत होती है उसे दफन किया जाता है तो उसके चेहरे का रुख क़िबला की जानिब किया जाता है, तो हिंदुस्तान में जो क़िबला का रुख है वो पश्चिम की जानिब है, हम लोग पश्चिम की तरफ नमाज करके रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो इसी वजह कर यहाँ पे जो भी इंसान को दफन किया गया है तो उनका जो चेहरे का रुख है वो पश्चिम की जानिब क़िबले की तरफ किया गया है, तो इस वजह कर उस तरफ से लॉक कर दिया गया है, 2 जानिब से उनके पैर की जानिब से और सर की जानिब से खुला हुआ है, और एक साइड से उनके पिछले हिस्से से, तो वो पूरब से आप इंटर कर सकते हैं, दक्षिण और उत्तर से इंटर कर सकते हैं, लेकिन वो पश्चिम का जो इलाका है वो बंद है, तो अंदर में नक्काशी की गई है काफ़ी खूबसूरत तरीके से। आपको मालूम है ये क्या है? ये बेसिकली एक वॉच टावर ये भी है, जैसे तुगलकाबाद किले में एक वॉच कई वॉच टावर है, तो एक वॉच टावर ये भी है, और इससे ये वॉच टावर होने का मतलब है ये दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए ये होल्स भी बनाए गए हैं ताकि यहाँ से देखा जा सके कि दुश्मन का क्या हरकत है, और उस पर खुफिया तरीके से नज़र रखने के लिए ये वॉच टावर बनाया गया है। ये जो है इससे तीर वगैरह मारने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है जी, ये बिल्कुल नज़र है नीचे की तरफ जी, ये दूर के लिए है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ है, ये बिल्कुल लेक में जो झील है उसमें नज़र रखने के लिए ये होल बनाया गया है, और ये जो है ये दूर तक निशाना जाए, दूर तक नज़र रहे उसके लिए ये थोड़ा सा फ्लैट बनाया गया है, तो ये है। और ये जो नीचे झील है यहाँ से ये झील पर भी नज़र रखने के लिए आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये होल है, ये दो एक और वहाँ भी है, एक यहाँ पर भी है, तो इन दोनों का डायरेक्ट नज़र रखने के लिए यहाँ से इमरजेंसी पर्पस के लिए है, यहाँ पर ये अंदर गए फिर वहाँ से तोड़ दिया गया है, किसी की हरकत है, ये बदमाशी है कि इसे हटा दिया गया, यहाँ पर अभी कूड़े हैं, कूड़ा रखा गया है यहाँ पर, खैर ये फिर भी उससे बेहतर हालत में है। ऊपर की तरफ जो है बाउंड्री भी मेरे ख्याल से वही वॉच टावर है, इसकी निशानी है यहाँ पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम।
बहुत खराब है, इतना रास्ता लग रहा है मुझे, जवाबी पार्क के जो फूल है जो एक ही बना के। तो फाइनली हम इंजमाम और एजाज भाई अब वापस अपने रूम की जानिब जा रहे हैं। तो कैसा रहा तजुर्बा? सबसे पहले इंजमाम आप बताइए। ये मेरा तीसरा बार आना हुआ था तुगलकाबाद फोर्ट, बट ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट रहा हमारे लिए, क्योंकि हम एंटर करते ही हमें एक गार्ड मिल गए हैं जो बतौर गाइड हमारे लिए काम किया, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रेजेंट और पास्ट में जो जो सिचुएशंस थे, कैसे अभी इसका क्या रख रखाव है, ये सब जानने को मिला हमें। तो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा इस बार का दौरा यहाँ। मेरे लिए जहाँ तक बात है, मैं पहली बार फोर्ट में आया हूँ, काफ़ी बार प्लान बना लेकिन मौका नहीं मिल पाया था आने का, पहली बार आया मैं। अच्छा इंटरेस्टिंग जगह है, रोड के दोनों साइड पे फोर्ट है, जो पहले साइड था वो थोड़ा सा उसमें मेंटेनेंस की कमी थी और दूसरा साइड बेहतर बना हुआ है। एक प्रॉब्लम जो है, पूरे कॉम्प्लेक्स में एक भी टॉयलेट नहीं है, जिससे हम तीनों को बड़ी परेशानी। अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर बंदर। हाँ, ये एक बड़ी बंदर नावाहियात बंदर, कहाँ पर पेड़ से दरत से नीचे से ऊपर से कहाँ से निकल जाए, एक जो स्ट्रिप है अराउंड 100 मीटर। हाँ, मतलब अभी 100 मीटर का एक लंबा रास्ता है, उसके चारों तरफ बंदर हमारे इस्तकबाल में खड़ा था, डर डर के हम लोग पार कर रहे थे। बंदर हमारी हमें लाल कर दिया था, डरा। सही बात है, डरावना एक्सपीरियंस रहा वो 100 मीटर का। बहरहाल ये 700 साल पुराना जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी खूबसूरत है, ज़रूरत है इसे मेंटेन करने की। तो हम आगे आपको और किस किस जगह ले जाने वाले हैं? अभी हम आदिलाबाद जाएंगे, अगर वक्त मिला तो आदिलाबाद का भी आपको हम दौरा कराएंगे, नहीं तो फिर कभी और। लेकिन हम अभी आदिलाबाद जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं, वक्त कम है लेकिन फिर भी हम जाएंगे वहाँ और देखेंगे क्या होता है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये बीच से जो सड़क गुजर रही है, ये किला और मकबरे के बीच में एक दीवार है, पहले ये पुल था उसे तोड़ दिया गया रोड के लिए।